हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की लेक्चर 4 है एंड ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो है एक वीडियो में और कवर करूँगी जिसमें मैं जो है MCQs करवाऊँगी आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के। ओके, तो इस लेक्चर में मैंने जो है दो टॉपिक्स कवर किए हैं। इसके पहले के 2 पीस प्रोडक्ट एंड प्राइस मैंने लेक्चर 3 में ही कवर कर लिया था एंड लेक्चर 4 में मैंने प्लेस एंड प्रमोशन कवर किया है। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पर मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम पोर्शन कवर किया है प्लेस और प्रमोशन का। जितना आपके एग्जाम में जरूरी है उतना ही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। सो स्टार्टिंग विद प्लेस, प्लेस जो है एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गुड्स जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर किए जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स बने हैं वहीं पर तो कंज्यूम हो नहीं जाएंगे। तो प्रोडक्ट के कंजम्पशन के लिए ज़रूरी क्या है कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से वो गुड्स जो हैं ट्रांसफ़र हो जाए कहाँ पर, प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक। तो ये जो कमी जो है, ये गैप है, इसको कौन पूरा करता है? ये जो पूरा करता है वो है प्लेस। इसीलिए कहा गया है प्लेस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, मीन्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। अब हम बात कर रहे हैं प्लेस मिक्स की। तो प्लेस मिक्स क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, जो आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं। इसमें मैंने आपको चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। दो इस साल जो है ये टॉपिक एग्जाम में नहीं है, बट स्टिल जो है आप समझ लो, हो सकता है कि अगर बाई चांस आ गया तो आप कर लोगे, एंड नहीं आए एग्जाम में तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सीधी सी बात है कितने लोग या कितने मिडिलमैन जो है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में इन्वॉल्व होंगे। एक सीधी सी बात समझो, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास आया, होलसेलर से रिटेलर, एंड देन रिटेलर ने कंज्यूमर को गुड्स बेच दिए। ये जो है चैनल के लेवल्स होते हैं, जीरो लेवल या फिर डायरेक्ट चैनल। जो मैन्युफैक्चरर जो है कस्टमर्स को डायरेक्टली अगर गुड्स बेच रहा है तो ये आपका क्या है, जीरो लेवल चैनल है, ये आपका डायरेक्ट चैनल होता है। एंड दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट चैनल, जिसमें वन लेवल चैनल में क्या है, एक इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होगा, डैट इज रिटेलर। टू लेवल चैनल में दो इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हो जाएंगे, डैट इज होलसेलर रिटेलर। एंड थ्री लेवल में क्या होगा कि एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और फिर कस्टमर के पास जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरर से अगर सीधे कस्टमर के पास गया तो वो आपका जीरो लेवल चैनल है। मैन्युफैक्चरर ने अगर रिटेलर को दिया एंड रिटेलर ने कस्टमर को दिया तो वो वन लेवल चैनल है। मैन्युफैक्चरर ने अगर होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को, देन इट इज टू लेवल चैनल। एंड मैन्युफैक्चरर ने एजेंट को दिया, एजेंट ने होलसेलर को, फिर होलसेलर ने रिटेलर को, एंड रिटेलर ने कस्टमर को, देन इट इज थ्री लेवल चैनल। मूविंग ऑन टू प्रमोशन, तो प्रमोशन जो है वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें एक प्रोड्यूसर जो है कस्टमर्स को कम्युनिकेट करता है अलग अलग चैनल्स के थ्रू, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है ताकि जो है फर्म की सेल्स बढ़ाई जा सके। प्रमोशन मिक्स में वो सारे डिसीजंस आ जाएंगे जो सेल्स के प्रमोशन के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को बेचने के लिए या उसकी सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो आपके प्रमोशन मिक्स का पार्ट होते हैं। कुछ टूल्स या एलिमेंट्स हम यूज करते हैं प्रमोशन के लिए, तो पहला है उसमें एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट जो है एक पेड फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना है आपको। पेड फॉर्म और नॉन पेड फॉर्म में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एडवर्टीजमेंट आपका क्या है, पेड फॉर्म है, इसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। एंड ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, मतलब कि एड आप कर रहे हो तो आपको तो खुद ही नहीं पता ना कि ये एड कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है एंड किसके पास पहुँच रहा है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन इंटरेस्टिंगली सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, तो ये तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए बोला गया कि एडवर्टीजमेंट जो है पेड फॉर्म होता है, किस चीज़ का, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो यहाँ पर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर भी मेंशनड है, किसी के थ्रू हम क्या करेंगे, ऐड कराते हैं, तो वो जो है हम पैसे देकर के ऐड कराते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ मेरिट्स देख लेते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट जो है इसका रीच ज़्यादा होता है क्योंकि हमने ऐड कराया तो वो ढेर सारे लोगों तक पहुँचेगा। नेक्स्ट, देयर इज अ वाइड चॉइस ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग। जैसे
अब मीडिया अलग अलग हम यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, रेडियो पे ऐड दे सकते हैं, अलग अलग बैनर्स, पैम्फलेट्स, पोस्टर्स लगा सकते हैं, हैंडल्स बंटवा सकते हैं, टीवी पे ऐड दे सकते हैं, एंड इवन आजकल जो है जितने भी ऐप्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या फिर हॉटस्टार हो गया, तो वहाँ पर जब भी आप कुछ व्यू करोगे तो वहाँ पर ऐड आएगा। तो यहाँ पर जो है अलग अलग वाइडर चॉइस मिली हुई है, देयर इज अ वाइडर चॉइस ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वन इज लेजिटिमेसी। अब जैसे कि एड जो है पब्लिकली जा रहा है तो वो लेजिटिमेट होता है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शक की गुंजाइश नहीं होती, लोग यही मानते हैं, यही अज्यूम करते हैं कि अगर जो है कोई भी पर्सन पब्लिकली अपने बारे में ये चीज़ें बोल रहा है तो वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेसिवनेस। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है आप अपने अपनी बातों को सामने वाले के सामने जाहिर कर सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो कि हम जो है क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो सामने वाला जो है समझ जाएगा कि हाँ ये ब्रांड जो है या फिर ये फर्म जो है ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, तो हमें जो है अगर ये चाहिए तो हम इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब यहाँ पर जो है सस्ता पड़ना, चीप रेट, ठीक है। यहाँ पर इसको चीप रेट इसलिए बोला गया, भले एडवर्टीजमेंट के लिए आप हैवी अमाउंट पे करते हैं, लेकिन जो है अगर आप ध्यान से सोचो कि ये हैवी अमाउंट जो है ढेर सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो पर यूनिट जो कॉस्ट आती है, पर हेड जो कॉस्ट आती है, वो बहुत ही कम हो जाती है। एंड लास्ट वन इज एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर जो है एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है कस्टमर को वो चीज़ मिल जाती है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाती है जो प्रोडक्ट उनको चाहिए, तो कस्टमर जो है अगर आपके प्रोडक्ट को देख करके, आपके ऐड को देख करके कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करके देख रहा है एंड सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर जो है वो रिटेन हो जाएगा आपकी फर्म में। नेक्स्ट वन इज सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन जो है हमेशा एक शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स होते हैं या फिर कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं जिससे फॉर अ शॉर्ट टर्म जो है सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। ये जो है स्टिमुलेट करता है, बूस्ट करता है कस्टमर्स को कि आप जो है आओ मेरे प्रोडक्ट को बाय करो, परचेज करो, ठीक है। जैसे कि हमने रिबेट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, रिफंड कर दिया, कुछ कूपन्स दे दिए, कुछ सैम्पल्स दे दिया, कुछ कॉन्टेस्ट करा दिया, ठीक है। अब जैसे एंड ऑफ सीजन सेल वगैरह भी लगती है, ये सब जो है आपका सेल्स प्रमोशन का पार्ट होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है दिया जाता है ताकि जो है कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज कर ले। मेरिट्स देखो, अटेंशन वैल्यू, ठीक है। अगर जो है आप कुछ अच्छे इंसेंटिव्स दोगे तो ये जो है लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट करेगा, लोग जो है आपके प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। जैसे कि आपने जो है कुछ न्यूट्रिशन पाउडर दिया, उसके साथ में जो है एक जार फ्री दे दिया, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो जार लेने के लिए जो है आप उस प्रोडक्ट को खरीद लो या फिर बाय वन गेट वन फ्री कर दिया। तो यहाँ पर जो है इसीलिए बोला गया कि लोगों का अटेंशन जो है सेल्स प्रमोशन की तरफ जाता है। नेक्स्ट, यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट है, आपने फ्री सैंपल बांट दिया कि ये लो यूज़ करके देख लो, एंड फ्री में, जैसे कि अभी जियो की सिम बटी थी कुछ साल पहले, राइट, तो फ्री में सबने ले लिया, यूज़ करके देखा, उनको समझ में आया, तो वो यूज़ कर रहे हैं आज मार्केट में, जियो अच्छा खासा चल रहा है। तो यहाँ पर जो है कोई भी नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट वन इज सैनर्जी इन टोटल प्रमोशन एफर्ट्स। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो जो सेल्स प्रमोशन होता है वो सप्लीमेंट का काम करता है, जो बाकी प्रमोशनल एफर्ट्स हैं उनको जो है बूस्टअप करता है। एंड नेक्स्ट वन इज एड टू अदर प्रमोशन टूल्स। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल्स प्रमोशन है वो बाकी प्रमोशनल टूल्स की भी हेल्प करता है ताकि जो है प्रमोशन अच्छे से हो जाए एंड जो है लोगों तक प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें एंड लोग जो है उनको खरीदें। नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो पहला पॉइंट है रिफ्लेक्ट क्राइसिस। तो अगर आप बार बार सेल्स प्रमोशन टूल्स यूज़ करोगे तो सामने वाले को ये लगेगा कि इनके यहाँ तो कोई भी प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्राइसिस दिखने लगेगी। एंड नेक्स्ट वन इज स्पॉइल प्रोडक्ट इमेज। तो जो आपके प्रोडक्ट की इमेज है वो भी क्या होगी, स्पॉइल हो जाएगी, कि सामने वाले को ये फील होगा कि इनके ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा होगा ही नहीं, तभी ये बार बार जो है ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे रहे हैं ताकि हम लोग जो इनके प्रोडक्ट खरीदें।
थर्ड वन इज पर्सनल सेलिंग. तो पर्सनल सेलिंग क्या होता है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, बिटवीन द सेलर एंड द बायर, ताकि जो है सेल्स को प्रमोट किया जा सके. तो ये जो पर्सनल सेलिंग होता है, यहाँ पर बायर और सेलर दोनों मीट करते हैं, फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, सेलर जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में बायर को अच्छे से समझा सकते हैं, बायर जो है प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं अगर वो खरीदना चाहते हैं. तो फीचर्स देखो, पर्सनल इंट्रैक्शन, तो यहाँ पर जो है पर्सनल इंट्रैक्शन होता है बायर और सेलर के बीच में. नेक्स्ट, टू वे कम्युनिकेशन होता है, सेलर अपनी बात सामने रख सकता है एंड बायर भी जो है जो भी क्वेरीज करना चाहता है वो सेलर से कर सकता है. थर्ड वन इज बेटर रिस्पॉन्स, जब ये लोग आमने सामने बात करेंगे, एक दूसरे को अपनी बातें समझा पाएंगे, तो यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स कस्टमर के साइड से ज़्यादा अच्छा मिलेगा. फोर्थ वन इज रिलेशनशिप, तो जब आप बार बार अपने कस्टमर्स से मिलेंगे तो एक फेस टू फेस इंट्रैक्शन होगा ही, तो एक रिलेशनशिप बिल्डअप होगा जहाँ पे कस्टमर जो है नेक्स्ट टाइम भी यही प्रेफर करेंगे कि यहाँ पर आपके पास आए एंड आपके यहाँ से प्रोडक्ट को वो परचेज करें. एंड द लास्ट वन इज बेटर कन्विंसिंग, तो जो सेल्समैन वगैरह होते हैं, सेल्स पर्सन जो है, ये ज़्यादा अच्छे से कंज्यूमर को कन्विंस कर सकते हैं. अब जैसे ऐड में क्या हुआ, आपने जो पढ़ा वो आप समझे, सेल्स प्रमोशन में जो भी टूल्स आपको दिखे, जो भी मेथड आपको दिखे, आपने वो देखा वो समझा. लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, सामने वाला जो है आपको प्रोडक्ट के बारे में सारे बेनिफिट्स और सारी चीज़ें बता देता है, तो इससे जो है सेलर जो है कस्टमर को अच्छे से कन्विंस कर सकता है. एंड द लास्ट वन इज पब्लिक रिलेशन, तो पब्लिक रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन पब्लिक के साथ मेंटेन करके रखना. पब्लिक कौन, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज एज वेल एज कस्टमर्स, तो इनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करके रखना. अगर मान लो कि आप जो है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, तो वो कस्टमर जो है चार लोगों को जाकर के बताएगा ना कि हाँ यहाँ पर जो है अच्छे से सर्विस प्रोवाइड होती है, या फिर इनके प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छे हैं, ये बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करते हैं. तो एक तरीके से क्या है, पब्लिक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है. टूल्स देखो, यहाँ पर जो है पहला टूल्स है न्यूज़, ठीक है. तो अगर जो है कोई न्यूज़ अगर आपके प्रोडक्ट को कवर कर ले रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. लोग जो है उससे समझ जाएंगे कि नहीं, इस प्रोडक्ट में ज़रूर कोई ना कोई बात है, तभी तो मीडिया इसको कवर कर रही है. नेक्स्ट वन इज स्पीचेस, तो जो ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम स्पीचेस वगैरह देते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस, कुछ मीटिंग्स वगैरह अरेंज करते हैं, जहाँ पर जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं, अपने ब्रांड के बारे में जो है सामने वाले को अच्छे से समझा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इवेंट, तो जैसे कि आप देखोगे कैमलिन जो है आपकी कंपनी, कैमलिन कंपनी, वो जो है कुछ ना कुछ इवेंट कराती रहती है, जैसे ड्राइंग कंपटीशन वगैरह कराती रहती है, ठीक है. तो इस तरीके से क्या होता है कि लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं प्रोडक्ट की तरफ. नेक्स्ट वन इज रिटन मटेरियल, कुछ जो है स्पेशल डॉक्यूमेंट्स, ब्रोशर्स, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट जो है वो सर्कुलेट किया जाता है, ताकि जो है पब्लिक की इमेज और इम्प्रूव हो. एंड द लास्ट वन इज पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज, तो जैसे कि कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, कुछ चैरिटी है, कुछ ट्रेनिंग है, जैसे प्लांट लगवा दिया रोड के साइड, कुछ हॉस्पिटल्स को जो है प्रमोट कर दिया, ठीक है, कुछ कॉलेजेस खुलवा दिए, तो ये सब पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज होती है. जैसे आदित्य बिरला ग्रुप करवाती रहती है एंड टाटा ग्रुप करवाती रहती है, तो ये सब क्या है, एक तरीके से पब्लिक रिलेशंस बिल्ड करने की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना अलग अलग तरह की. ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं. कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे. Bye-bye.